हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बंगाली सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है ब्रेकअप स्टोरी। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। ये हुईचुई का ओरिजिनल वेब सीरीज़ है, बंगाली वेब सीरीज़ है, और इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है मोइनाक भौमिक ने। तो ये एक रोम कॉम वेब सीरीज है। बात करें इस वेब सीरीज की कास्ट के बारे में, तो कास्ट पे है आर्यन भौमिक, रणजय बसु, अनिंदिता बोस, सौरभ दास, तुहिना दास, चंद्रयनी घोष, सौरासोहिनी मित्र, सोहिनी सरकार, ओलिविया सरकार। तो इस वेब सीरीज में 5 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 20 मिनट तक का है। तो बात करें इसका स्टोरी के बारे में, तो वहाँ पे 4 लव स्टोरी दिखाया गया है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है या फिर इंटरलिंक है। तो एक तो नॉर्मल लव स्टोरी है, दूसरा एक लेस्बियन लव स्टोरी है, तीसरा एक स्टूडेंट और टीचर के बीच लव स्टोरी है, और चौथा एक नॉर्मल लव स्टोरी है। तो ये 4 स्टोरी है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे अगर इस वेब सीरीज में कुछ पॉइंट लगा तो है इसका जो पहला 3 एपिसोड से या फिर पहला 2 एपिसोड से, ये पहला 2 एपिसोड, क्योंकि पहला एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा और दूसरा एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जो 3rd, 4th और 5th एपिसोड्स है वो आपकी दिमाग से खेलेगा, इतना घटिया है वो लास्ट 3 एपिसोड्स। मुझे और एक पॉजिटिव पॉइंट लगा कि जो इंटरलिंक दिखाया गया है वो काफ़ी अच्छा है। जो इंटरलिंक ये उसका रिलेटिव निकलता है, वो उसका रिलेटिव निकलता है, वो जो इंटरलिंक दिखाया गया वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन पहला 2 एपिसोड जितना सुंदर तरीके से कहानी को आगे ले जाता है, लास्ट का जो 3 एपिसोड्स है वो एकदम पूरा प्लॉट को बर्बाद कर देता है। लेकिन इस वेब सीरीज का पॉजिटिव पॉइंट करने बात करें तो इसका परफॉर्मेंस, सौरभ दास, अनिंदिता बोस, आर्यन भौमिक सबका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सौरभ दास का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही होता है, लेकिन मुझे सौरभ दास, अनिंदिता बोस, आर्यन भौमिक सबका परफॉर्मेंस यहाँ पे एक तरह ही लगा, मतलब सबका परफॉर्मेंस अच्छा ही है। और बात करें इस वेब सीरीज़ का और एक पॉजिटिव पॉइंट के तो इसका प्रोडक्शन वैल्यू, इसका प्रोडक्शन वैल्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसका जो सिनेमाटोग्राफी है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यही है सिर्फ इस वेब सीरीज़ का पॉजिटिव पॉइंट। तो इसके बाद जो कुछ भी है सब नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इस वेब सीरीज़ में पॉजिटिव बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं है और है भी नहीं है। इसका जो डायरेक्टर है मोइनाक भौमिक, वो हमें मतलब फील गुड मूवी देने के लिए जाने जाते हैं। उसका मूवीज़ या फिर विवाह डायरीज बोलिए, फैमिली एल्बम बोलिए, बेडरूम बोलिए, या फिर हैप्पी पिल बोलिए, जनरेशन अमी बोलिए, ये सब फील गुड्स मूवी है और एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शनल मूवी है। लेकिन जब से वो अपने करियर को घुमाने के लिए थ्रिलर मूवी करना शुरू किया या फिर बॉन्नो परिचय, गोविंदा जूनियर जैसे घटिया थ्रिलर मूवी किया, उसके बाद ये वेब सीरीज़ किया, मैं सोचा था इस वेब सीरीज़ तो उसका जॉनर का है, मतलब वो जिस जॉनर का फिल्म करते हैं, फील गुड मूवी या फिर रोमांटिक मूवी, लेकिन ये वेब सीरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ किया। तो मोइना भूमिका का डायरेक्शन का मैं बहुत बड़ा फ़न था, लेकिन इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद मैं चाहता हूँ वो फिर से कम बैक करे, एक अच्छा स्टोरी अच्छा स्क्रिप्ट के साथ कम बैक करे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही पुअर है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन अच्छा होता तो ये वेब सीरीज़ अच्छा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही घटिया लगा मुझे। बात करें दूसरे नेगेटिव पॉइंट के बारे में तो इसका स्क्रीन पे बहुत ही घटिया है। पहले और दूसरा एपिसोड का स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा है, लेकिन 3rd एपिसोड का स्क्रीन पे तो आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन 4th एपिसोड का स्क्रीन पे मतलब क्या बताऊँ, आपको ऐसा लगेगा कि बंद कर दूँ। अब 4th एपिसोड इतना खींचा हुआ लगेगा और इतना ज़्यादा इरिटेटिंग और डिस्गस्टिंग लगेगा, मैं क्या बताऊँ। 4th एपिसोड का स्क्रीन पे सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब मुझे तो उसका स्क्रीन पे बहुत ही ख़राब लगा। 5th से भी ज़्यादा 4th का स्क्रीन पे मुझे सबसे ख़राब लगा, और 4th के बाद ही पूरा कहानी जो है बर्बाद हो जाता है, मतलब 3rd से ही बर्बाद होना शुरू कर देता है। लेकिन 3rd में कुछ कुछ पल है जो ट्विस्ट एंड टर्न से आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन 4th 5th तो मतलब क्या बताऊँ मैं। इसका और एक नेगेटिव पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, जितने भी कैरेक्टर्स को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया गया है, एक भी कैरेक्टर को अच्छी तरीके से डेवलप नहीं किया गया है। मतलब अचानक से एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है और कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ होता है, तो आप उस कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाते हैं। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे एकदम खराब लगा। वैसे भी 5 एपिसोड्स में आप कैसे कैरेक्टर डेवलप करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छा डायरेक्टर हो तो कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा राइटर हो, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ख़राब था। लेकिन मैं इसके एक पॉजिटिव पॉइंट बोलूँ तो इसका म्यूज़िक, मोइनाक भौमिक का हर एक फिल्म का जो BGM और म्यूज़िक है वो बहुत ही लाइट हार्टेड होता है और बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ का भी म्यूज़िक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लाइट हार्टेड लगा, काफ़ी माइंड रिफ्रेशिंग लगा, लेकिन 4th एपिसोड में मतलब आपको म्यूज़िक के ऊपर भी ध्यान नहीं जाएगा, इतना डिसगस्टिंग है वो एपिसोड। तो इसके लिए मुझे लगता है वो पूरा जो वेब सीरीज़ है, ये 3rd, 4th, 5th, ये तीनों एपिसोड्स के लिए पूरा वेब सीरीज़ मतलब क्या बताऊँ, पूरा तहस नहस हो गया। लेकिन जो ओवरऑल स्टोरी है, एक अच्छा सिंपल सा वेब सीरीज़, एक अच्छा सा वेब सीरीज़ मतलब क्या बोलूँ, टाइम पास, एक लाइट हार्टेड वेब सीरीज हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया लास्ट तीनों एपिसोड्स के लिए और मोइना भौमिक का डायरेक्शन के लिए, और राइटिंग भी उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप इसका पहला 2 एपिसोड्स देखिए, उसके बाद का 3 एपिसोड्स का देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपको अगर देखना चाहिए, देखना मतलब आपको लगता है कि मैं देखूँगा, तो आप देख ही सकते हैं।
तो ये वेब सीरीज हुईचुई का ओरिजिनल वेब सीरीज है, हुईचुई में अवेलेबल, जाइए देख के आइए। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल इसको प्रेस कर देना ताकि हम कभी भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे होम, मिलता है अगली वीडियो के लिए, गुड बाय।